यति एक मॉन्स्टर जो एवरेस्ट की बर्फ में रहता है। ये बात आपको पता होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी कि यति वर्ड आया कहां से। ये शब्द आया है तिब्बती शेरपा भाषा से। इसमें एक शब्द होता है ये और एक वर्ड होता है ते, जिसका मतलब होता है रॉक एनिमल, यानी चट्टानों में रहने वाला जानवर। ये तस्वीर लगभग 70 साल पहले ली गई थी, 1951। कई साल पहले कुछ पर्वतारोही अपनी यात्रा पर निकले थे ये पता लगाने के लिए कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलेरी, जो तेंजिंग नॉर्गे के साथ दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ था। और ये है एरिक शिप्टन, जिन्होंने यति के फुटप्रिंट की सबसे पहली फोटो खींची अपने साथी माइकल वार्ड के साथ। उन्होंने नेपाल के मंगलून बेसिन में अजीब से पैर के निशान देखे। अब चूंकि उनके पास पैरों के निशान नापने के लिए कोई टेप नहीं था, क्योंकि वो यति की खोज में थोड़े निकले थे, वो तो गए थे पर्वत चढ़ने, तो उन्होंने क्या किया, फोटो खींचते टाइम यति के फुटप्रिंट के बाजू में अपना आइस पिक रख दिया, ये दिखाने के लिए कि वो फुटप्रिंट कितना बड़ा है। देखो, यति काफी सालों पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी खोज करना चाहते हैं, लेकिन यति है कि किसी के हाथ ही नहीं आता। इन फोटोज के पब्लिश होने के बाद कई लोग जांच करने के लिए हिमालय तक गए, ये जानने के लिए कि ये पैरों के निशान असली हैं या नहीं। और भैया, नेपाली सरकार ने तो लाइसेंस तक बांट दिए लोगों को कि यति का शिकार कर लो, लेकिन ये यति है भैया इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आता। और क्या पता कि यति एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्या है यति का असली इतिहास, क्या है इन फुटप्रिंट्स की सच्चाई, तो आज जानेंगे हम इन सारे सवालों के जवाब। तो कुछ लोग करते हैं धंधा, कुछ लोग करते हैं खेती, और कुछ लोग ढूंढना चाहते हैं असली वाला यति। तो बांध लो अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का फाड़ू वीडियो। ये है 1951 की तस्वीर, और ये है 30 साल पहले ली गई तस्वीर। ये तस्वीर ली थी चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने। उन्होंने बर्फ में अजीब से पैरों के निशान देखे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस जानवर के पैरों के निशान है। इसीलिए रिसर्च करने के लिए उन्होंने फुटप्रिंट्स के फोटो खींचे, लेकिन वो भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। और इसी रहस्य के कारण कई सारी कहानियां रची गईं, बहुत सारी फिल्में बनाई गईं, किताबें लिखी गईं, और वीडियो गेम्स भी बनाए गए, और यति की इमेज को खराब कर दिया गया। उसे एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया जो इंसानों का शिकार करता है। इंसानों को ये बताया गया कि आपको यति से डरने की जरूरत है, क्योंकि ये साइज में काफी बड़े होते हैं और आपको देखते ही आपके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तिब्बती लोग ऐसा नहीं मानते, वो विश्वास करते हैं कहानियों पर, उनकी लोक कथाओं पर, जिसमें यति को इतना ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया है। लेकिन हम बात कहानियों की नहीं, हम बात करेंगे असली सबूतों की। और सबूतों में आते हैं पैरों के निशान, हाथों के निशान, या फिर यति के बाल। पैरों के निशान की अगर बात करें तो ये तस्वीरें कई पर्वतारोहियों ने ली है, उदाहरण के लिए 1951 की ये तस्वीर, या फिर 4 साल पहले भारतीय सेना के जवान के द्वारा ली गई ये तस्वीर। लेकिन जब इन पदचिन्हों के ऊपर और ज्यादा रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये यति के पदचिन्ह नहीं है। 1921 में जब चार्ल्स हार्वर्ड वरी ने पत्रकार को बताया कि ये पैरों के निशान एक बड़े भेड़िए के हैं, और जब ये बात उन्होंने पत्रकारों को बताई तो पत्रकारों को इस बात में कोई मसाला नहीं मिला, तो उन्होंने बात को घुमा कर पेश किया और ऐसी अफवाह फैलाई कि ये यति के पैरों के निशान हो सकते हैं। लेकिन 1951 की इस तस्वीर का क्या, ये पैरों के निशान किसी भेड़िए के जैसे नहीं दिखते। तब डॉक्टर माइकल वार्ड ने ये बताया कि ये पैरों के निशान इंसान के हैं। उन्होंने बताया कि ये तिब्बती के पैरों के निशान है, जिसके पैर थोड़े अजीब थे। लेकिन अब सोचने वाली बात ये आती है कि भैया पैर अजीब थे ठीक है, लेकिन हिमालय की वादियों में नंगे पैर कोई क्यों घूमेगा। माना कि उसके पैर अजीब थे, लेकिन दिमाग तो पूरा था ना। तो इस बारे में डॉक्टर माइकल वार्ड ने ये भी बताया कि वो खुद भूटान और नेपाल की ऐसी कई जनजाति के लोगों से मिले हैं जो बर्फ में नंगे पैर घूमते हैं। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों के पास हर बात का जवाब है, वो मानना ही नहीं चाहते कि यति एग्जिस्ट करता है, और हो सकता है ये बात सच भी हो। कोई जरूरी नहीं कि अगर आपको यति की कहानी सुनने में मजा आता है तो यति सच में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन आखिर ये यति नाम की बीमारी आई कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, चलिए जानते हैं। ये है भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह। ये नाम सुनकर बहुत से लोगों को सुशांत सिंह की याद आ गई होगी, बट अभी आज हम इनकी बात कर रहे हैं। वो एक मिशन पर थे हिमालय में मकालू नाम के एरिया में। वहां पर उन्होंने कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। उनके साथ एक शेरपा गाइड भी था। उन्होंने अपने गाइड से जब इन पैरों के निशान के बारे में पूछा तो गाइड ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ कहा कि ये यति के पैरों के निशान है। गाइड ने कहा ये एक जंगली आदमी जैसा होता है जो बर्फीले इलाकों में रहता है। देखो, दुनिया में हर किसी को इस बात का डाउट है कि यति असली है भी या नहीं, लेकिन शेरपाओं
वालों को इस बारे में कोई डाउट नहीं है भाई, उनका पॉइंट एकदम क्लियर है, येती होता है और एग्जिस्ट करता है उनके हिसाब से, क्योंकि येती नाम का ये शब्द शेरपा भाषा से आया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चट्टान जानवर, इनके पुराने ग्रंथों में आपको येती के बारे में लिखित में हर चीज मिलेगी, और वो लेख भी 12वीं शताब्दी के है, मतलब 850 साल पहले के। अब कोई क्यों ही 850 साल पहले झूठ लिखेगा, वो भी अपने ग्रंथों में। तिब्बत और नेपाल के बहुत सारे मंदिरों की कार्विंग में आपको येती देखने को मिलेगा, तो ये महज एक कोरी कल्पना तो नहीं हो सकती, किसी ने तो येती को देखा होगा। हो सकता है येती की प्रजाति अब खत्म हो चुकी हो सकता है वो 850 साल पहले एग्जिस्ट करते हो। मणिकबम नाम के एक तिब्बती धार्मिक ग्रंथ के अनुसार तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था, जब वो सरोवर सूखने लगा तो उसमें नए जंगल, जानवर और पहाड़ उभरे, और इन्हीं पहाड़ों में से एक में से तिब्बती लोगों का जन्म हुआ। इन पहाड़ों में सिनमो रहती थी, जो कि एक बौद्ध देवी ड्रोलमा का अवतार थी, जो एक दिन बुद्ध भगवान के अवतार चेनरेजिंग से मिली। वो कुछ कुछ बंदर की तरह थे, और इन दोनों ने मिलकर 6 बच्चे पैदा किए, जो आधे इंसान और आधे वानर थे। इन 6 बच्चों से 6 अलग अलग तिब्बती समूहों का जन्म हुआ। साल बीतते गए, एवोल्यूशन आता गया, और ये आधे इंसान आधे बंदर धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से मॉडर्न तिब्बती लोग बन गए। वर्षों बाद वे बंदरों की तरह कम और इंसानों की तरह ज्यादा दिखने लगे। कुछ तिब्बती लोगों का ऐसा मानना है कि उनके कुछ पूर्वज कभी इंसान नहीं बन पाए पूरी तरह से, जिन्हें येती कहा जाता है। ये बर्फ में रहते हैं और इंसानों से दूर अकेले में रहना पसंद करते हैं। आपको बौद्ध मंदिरों में, पुस्तकों में ऐसे जानवरों की कई तस्वीरें मिल जाएंगी। तिब्बत और नेपाल के कई मठों की दीवारों पर आपको येती की कार्विंग मिल जाएगी। कुछ कहानियां कहती हैं कि येती बहुत शांत है, लेकिन कुछ कहानियां बताती हैं कि येती बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है। यार, हमें नहीं पता क्या हकीकत है। हो सकता है येती इस वीडियो को अपनी गुफा में बैठ कर देख रहा हो और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहा हो। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, और येती का होना एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, बट हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें यही पता चला है कि सारे एविडेंस जो आज तक पेश किए गए थे वो सब फेक हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि येती के अस्तित्व के खिलाफ इतने सबूत होने के बाद भी आज वो इतना पॉपुलर क्यों है, उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों की जाती है। येती के बारे में किताब लिखने वाले शिव डाकाल के मुताबिक तिब्बती लोगों में येती की कहानियां इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहानियां बताते थे ताकि उनके बच्चे बर्फ में ज्यादा दूर तक ना जाएं और हमेशा उनके परिवार के करीब रहें। और चूंकि हम सबको रहस्यमय कहानियां पसंद है, इसलिए हम इस तरीके की बातों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। और ये बात भी सच है कि हजारों साल बाद भी येती की ये रहस्यमय कहानियां सुनाई जाएंगी। देखो, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हमें नहीं पता, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं है। ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब एलियन या भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या इसका मतलब ऐसी कोई परालौकिक शक्ति होती ही नहीं है? इसका जवाब आपको खुद मालूम है, और वैसा ही शायद कुछ येती के साथ भी हुआ है। सवाल का जवाब तो सबको मालूम है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। बिकॉज एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आपको क्या लगता है, अगर आप लोग नेपाल साइड से या तिब्बत की साइड से हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को विश्वास है येती के एग्जिस्टेंस पर, या आप भी येती को केवल एक कोरी कल्पना मानते हो। यार, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भैया आपकी क्या राय है येती के बारे में, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। ऐसे मुझे मालूम है 90% लोग यही कमेंट करेंगे, भैया ज़ॉम्बी पार्ट 2 बनाओ। उस पर भी काम चालू है, वो भी जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन आप और टॉपिक भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, आज के इस वीडियो में आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, बट फिर भी छुट्टियों का सीजन आने वाला है तो मैंने सोचा आपको बोर ना होने दिया जाए, इसलिए मैंने एक वीडियो बना ही दिया। यार, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में, और हाँ, सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।